और इसे बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। चीकू सबसे पहला ही मन पसंद चोट है। पजामे में नहीं, सॉरी, कुर्ती और धोती में। आप बहुत गोरे लग रहे हो। पापा को बुलाओ क्या? शाम के 6 बज गए ना भाभी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, कितने बड़े बड़े मच्छर है। ये तो पूरा ही खा जाएगा। शांति की चाय को मिस कर रही हूँ मैं बहुत ज्यादा। आज हमने दवाई भी खाना भूल गए। मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और सुबह सुबह गाड़ी की बैक साइड डिग्गी में हमारा जो है स्वागत हो रहा है। स्वागत इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं चीकू महाराज के गाने की शूटिंग पे, और पूरी फैमिली आपको नजर आएगी चीकू के गाने में, और बहुत ही जबरदस्त गाना होगा। अभी से मैं तारीफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है होगा ही जबरदस्त। तो बस निकल चुके हैं, सारी पैकिंग वैकिंग करके, नहाए धोए नहीं है क्योंकि बहुत लेट हो गए थे। तो गाइस सुबह सुबह ना पानी लेना सारे घर में, जितने भी फ्रूट्स है वो पैक कर लिए, साथ में काजू कतली सब पैक कर लिए क्योंकि प्रोडक्शन हमारा खुद का है। तो हमने सोचा घर पे देखो बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे तो जितने भी फ्रूट्स है ना सब लग जाएंगे। तो गाइस जो गोल्डन टीम है ना खाने वाली वो हमारे साथ ही है, इसलिए काजू कतली की जो आवाज आ रही थी ना यहाँ से आ रही थी, क्योंकि भैया आपको पता ही है खाने पीने के बहुत शौकीन है। तो जो भी खाने पीने का सामान है ना सब भैया को पहले पता होना चाहिए क्या बन रहा है, कहाँ हो रहा है। आज प्रोडक्शन में क्या क्या भैया? चेक तो भैया हमेशा करते ही रहते हैं, चेक। यहाँ पे ना नींद नहीं आ रही है क्योंकि ये जो दो आगे बैठे हैं ना इतनी हबल तपल कर रहे हैं ना कि हमें सोने नहीं दे रहे। और चीकू के पापा ने हमारे लिए स्पेशली बिस्तर बनवाया था, ये लोग सोते हुए जाएंगे, सोते हुए आएंगे। सर को सोने नहीं देना है क्योंकि अगर सो गए तो ऐसे फेस पे शुरू हो जाएगा ना। इसको इसका पहला टेक ही सोने का है। सो जाओ मेरे बच्चे, बोल है ना सोकर उठकर। तो यहाँ पर ना रस्ते से हम लोगों ने बनाना ले लिए क्योंकि चीकू ने कुछ खाया नहीं था, बहुत तेज भूख लग रही थी बेटे को, और इसे बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। बड़े महंगे बनाना आए, एक दर्जन 90 रुपए के आए हैं, पहले अच्छी हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे आते ही सब लोग लगे हैं ठूसने। चीकू के पापा का तो जो ब्रेकफास्ट है वो भैया लेके आए हैं अपने घर से। हाँ, और ये इसने एक बार प्लेट खाली कर चुका है, ये इसकी दूसरी प्लेट है। ये खड़ी शादी में आया है। तो चीकू के साथ जितने बच्चे परफॉर्म करने वाले हैं सॉन्ग में, वो सब यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करा रहे हैं हमारे गौरव भाई और फियांसू भाई। चिरायू कैसी परफॉर्मेंस है? चिरायू अच्छा कर रहा है, बट मेरे को लग रहा थोड़ा सा ना नर्वस है वो भी फिलहाल के लिए, क्योंकि जैसे जैसे भी फ्लो बनना शुरू होगा उसकी एनर्जी सबसे हाई होने वाली, लेकिन स्टेप एकदम खतरनाक है। ये बच्चे सब आपकी अकेडमी से? मैं अकेडमी से नहीं है। अरे नितिन भाभी कहाँ है? अच्छा, तो गाइस भाभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं कहाँ पे। भाभी भाभी इस बच्चे का शूट है, आप रेडी क्यों हो रहे हो? बच्चे की माँ भी तो है। अच्छी, आपका भी रोल है भाभी? ये देखना, देखना बच्चे का शूट है या ऐसे बैठे? अच्छा स्विमिंग पूल में भाभी? भाभी मैंने रात क्या बोला था, रात क्या बोला था जब गोप्रो की बात थी, मैंने कहा उसमें हो सकता है स्विमिंग पूल में ना। चीकू सबसे पहला ही मन पसंद चोट है, क्या बात है। फुल भाभी जब तो स्विमिंग पूल ड्रेस हम उस दिन लेके आए थे जब नितिन पकड़ा गया है लड़की को शॉपिंग कराते हुए, तो ये ड्रेस उस दिन लेके आए। अच्छा, तो भाभी आपने मतलब इनडायरेक्टली इसमें नितिन की पोल खोली है क्या दोबारा? सर अभी नमस्ते, नमस्ते भाई, भाई फुल खुश है, पहला शॉट स्विमिंग पूल का है ना तो फुल खुश है भाई। अच्छा नहाना नहीं है, भाई ने बोला कि नहाना नहीं है ना उसमें, नहाने का शौक। अच्छा पायल तू सही बोल रही थी, तेरी नजर बहुत पारखी है यार, वहाँ से तूने दूर से बता दिया। वो नींबू का पेड़ है गाइस, देखो सामने, पर एक बार देख कर आऊंगी, मैंने कभी इतने बड़े नींबू नहीं देखे। तो गाइस हमारी ना पूजा अच्छे से हो गई है, तो अभी मैं और पायल जा रहे हैं मेकअप करवाने के लिए, क्योंकि ना पहला सीन ना पूल का है और उसमें हमें चीकू के पीछे थोड़ा सा डांटना है उसको, और वहाँ पे चीकू के पापा भी रेडी हो गए हैं, मस्त लग रहे हैं कुर्ते पजामे में नहीं सॉरी कुर्ते और धोती में। तो मैंने अपना यही लुक रखने घर पे भी, मैंने 15-20 कुर्ते पजामे सिलवा लिए, मैं घर पे ना यही पहना करूँगा। आप बहुत गोरे लग रहे हो। हाँ जी भाभी। हाँ जी, अभी कितना टाइम लगेगा? अभी तो शुरू किया है, अभी तो बेस बना है। अच्छा उधर तो चल रहा है भाभी, चीकू सर का तो शूट चल रहा है। चीकू का पहला टेक शुरू हो गया ना? हाँ जी। कौन है उसकी देखरेख में? देखरेख में सारे भाभी, पूरी टीम है, प्रोडक्शन है, बाहर से मंगाई है कुछ, तो जिसने फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं की थी भाभी शूट। अच्छा वो आए हुए कुछ लोग, वो करवा रहे हैं। हाँ सबकी देखरेख में। फिर तो हमें खड़े होने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं आपको तो है भाभी, आपको देख के तो अच्छा करेगा ना। नहीं उसके पापा खड़े होंगे तो भी अच्छा करेगा। हाँ वो तब तो ज्यादा अच्छा करेगा। हाँ जी चच्चू प्लीज नो फोटो नो। हेलो साइड, हम आपके बारे में पूछ ही नहीं रहे, हम उनके बारे में पूछ रहे हैं, चीकू सर के बारे में। आप माइक में बोलिए। आप आयु भैया बच्चों को सर्द गर्म हो जाएगी जल्दी से, खत्म करो ये वाला। ये अयूब को कोई चिंता ही नहीं है क्या? खान साहब को कोई चिंता ही नहीं है? माइक भी लगा लिया जब भी सुन ही नहीं रहे। चीकू आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे भैया? पापा को बुलाओ क्या? भाई सर हट जाओ, सर को आवाज नहीं दो यार थोड़ी सी। ओ
तो गाइस अभी बज गए शाम के 5 और शूट चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ना रात के ना कम से कम ना 3 से 4 बज जाएंगे क्योंकि शूट इतनी देर से चल रहा है। और क्या बोलते हैं अभी अंदर एक सीन चल रहा है पायल का, तो मैं बाहर घूम रही हूँ। और चीकू के पापा भी थोड़ी देर के लिए सो गए थे, मैं सभी उठे हैं। पायल इसके बाद मेरा सीन है, तेरा कितनी देर का रह गया? तो गाइस इसके बाद मेरा सीन और शाम के 6 बज गए ना भाभी। तो ये है भैया का प्रोडक्शन डायरेक्टर भैया, बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत ज्यादा। तो गाइस हमारे जो टेक है वो हो चुके हैं मेरे और गोलू के, तो हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं आराम से। और गोलू ने अभी अपना टचअप कराया है। क्या चाय पीनी है? बोला तो है चाय के लिए, आई नहीं चाय। तो गोलू का टचअप हो गया, अभी मेरा टचअप बाकी है। टचअप करना के बाद अभी चीकू का एक टेक है उसकी ट्यूशन टीचर के साथ। ट्यूशन टीचर यहाँ तैयार हो रही है, दिखेगी आपको ये ट्यूशन टीचर। और ये स्कूल की मैम है, वो ट्यूशन टीचर है। तो गाइस ये जो नमकीन है ना, ये सच में इतनी टेस्टी है, इतनी टेस्टी है, सारे लोग ना उठा उठा के खा रहे हैं सब जगह से। अब ये देखो मांग रहा है मुझसे, ले ले ये देखो, ये देखो, ये देखो मेरे लिए भी तो छोड़ दो। तो मैं ये मैं प्रोडक्शन हाउस से पूछूंगी ये कहाँ से आपने मंगाई है, ये कहाँ से मंगाई है मुझे पता है। ले तू भी ले ले, इसका यही तो काम था जीरकपुर में, मुझे पता है। ले ले तू भी ले ले। तो सारे को ये नमकीन बहुत पसंद आ रही है, इसका पैकेट मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आपको भी चाहिए अगर आपको भी चाहिए तो आप ले सकते हो। जब हम ज्यादा लेके आते तो हमारा मन नहीं करता, इसलिए हम कम लेकर आएंगे। दिमाग तो गाइज स्पेशली ये गाड़ी मंगाई है चीकू के कहने पे, चीकू को इसमें बैठना था इसलिए ये गाड़ी मंगाई है हमने शूट के लिए। और चीकू जो है वहाँ से निकल के आएगा पापा के साथ। तो यहाँ मेरा बच्चा जो है वो बैठा है ऊपर गाड़ी के, और बिल्कुल नहीं थका है ये लड़का अभी और 10 घंटे काम कर सकता है, इतनी एनर्जी है इसके अंदर अभी। तो गाइज मेरे पैरों में ना दर्द होने लग गया था, इसलिए मैं बैठ गई और यहाँ पे अपने पैरों की मसाज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत देर से सुबह से मतलब खड़े है ना, इसलिए पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। यहाँ पे गोलू के भी पैरों में दर्द हो गया, इसलिए गोलू भी यहाँ पे आके बैठी हुई है। उसको कुछ हो गया अभी ना, लग गई उसे, वो क्या हुआ बेटा, उछल रही थी ना, बच्चे थक गए। हाँ। जब हम थक गए हमारे पैरों में दर्द हो गए, तो ये तो बच्चे हैं ना, बच्चे रहते भी तो एक्टिव है, भागम दौड़। तो गाइस यहाँ पर ना इतने बड़े बड़े मच्छर है, ये लगा लो इतने कितने बड़े होंगे पायल, इतने तो होंगे, इतने बड़े बड़े मच्छर है। अभी ना एक मच्छर ने मुझे काटा है यहाँ पे पैर पे, और इतना दर्द हो रहा है, मतलब लगा लो कि ना। और खाने पीने की भी ना प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। भैया को मैंने भेजा, मैंने कहा भैया आप जाके ना मिले फन फ्लिप लेकर आओ। भैया जगह भी आपको नहीं मिले फन फ्लिप, कहाँ है यहाँ मिले ही नहीं, 2-3 गांव में गया यहाँ पर खाने पीने। 2-3 गांव भी चले गए होके आगे। अच्छा खाने पीने की प्रॉब्लम तो है, यहाँ पे भैया खाने पीने की प्रॉब्लम इसलिए गाइस, नहीं फ्रूट कटने से पहले इसके पेट में चले जाते हैं और कह रहे खाने पीने की प्रॉब्लम है। तो गाइस यहाँ पे आ चुका है पिज्जा, ये मार्केट। चीकू बैठ के खाओ बेटे, इधर आओ। चीकू बात नहीं सुन रहा है ना तू, इधर आ जा। तो यहाँ पे ना पिज्जा जो है टूट पड़े, लोग पिज्जा भाभी खाओ, नहीं तो नितिन बहुत भूखा है, ये तो पूरा ही खा जाएगा। तो गाइस अभी पता नहीं कितना शूट और बाकी है, और अभी बच चुके कितने बज गए, बोलो 8:30 बज गए। और ना मैं बार बार ये ड्रेस ना चेंज करके आ रही थी, और मुझे बाद में पता लगा कि ये डिजाइन ही ऐसा है, मुझे लगा मैं उल्टा पहना, पर ये डिजाइन ही ऐसा है ना। तो गाइस रात की बज गए 9:30, और अभी भी ना शूट कंटिन्यू चल रहा है, तो अभी शूट यहाँ पे हो रहा है। थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ हल्का सा कि यहाँ पे पूल है, बहुत धुआं है, क्लियर नहीं दिख रहा, तो मैं आपको अपनी बातों से बता देती हूँ। यहाँ पे ड्राई आइस है, यहाँ पे पूल है, तो चीकू के जबरदस्त सिंक होने वाले हैं, और बहुत मेहनत कर रहा है लड़का। तो यहाँ पर ना पायल ना बैठे बैठे अपने नेल्स निकाल रही है। भाभी अगर आपको एक्सटेंशन निकलवाने हो ना, पायल को बोल देना, घर पे निकाल देती है, निकाल देती है, ये डैमेज नहीं होता, कुछ डैमेज नहीं होता। पायल भाभी का कह रही हूँ, पायल का। पायल यार एक चीज की कमी हो रही है भाभी, एक चीज की कमी हो रही है, घर जैसे चाय नहीं मिलती कहीं ना, चाय पीने का इतना मन सा कर रहा है ना, मन कर रहा है शांति होना यहाँ पे है, पायल शांति की चाय को मिस कर रही हूँ मैं बहुत ज्यादा, है नितिन भैया शांति की चाय को मिस कर रहे हैं हम सब। मैं शांति की चाय को, क्यों अच्छी तो बनाती है लड़की, आप बना लिया करो केले खुद के लिए। तो गाइस यहाँ पे ना चीकू का जो पूल वाला टेक है वो हो गया, और मैं नीचे देख के इसलिए चल रही हूँ कि कभी मैं पूल में ना गिर जाऊँ। पर यहाँ पे रास्ता साफ है, बहुत ज्यादा अंधेरा है देखो, है पर बिल्कुल सामने। तो पहले काम करती हूँ, चल लेती हूँ अंदर, देख फिर ब्लॉगिंग करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, देखिए ड्राई आइस नहीं, ये तो कोल है बेफू, कोयला वो लुबान नहीं होती, लुबान। हाँ तो गाइस अभी ना जतिन भैया ने चीकू को ना शांत करने के लिए नोट वाली मशीन दी है, क्योंकि अगर चीकू शांत नहीं हुआ ना जतिन
भैया तो शूट है शांत हो जाएगा। है आपने पता नहीं गाड़ी में कौन सी में रखवाई थी? हाँ मैंने रखवाई थी उसकी गाड़ी में। ठीक है आ रही है बस 5 मिनट। ओके ओके। तो यहाँ पर ना पूछा जा रहा है कितने शॉट रह गए हम, कब तक हमारी छुट्टी होगी। तो मतलब सुबह 4-5 बजे तक फ्री हो जाएंगे? नहीं 3 बजे फ्री, 3:59 फ्री हो। मतलब सुबह के 4। भैया कुछ खाने पीने की व्यवस्था? व्यवस्था कराओ यार, भूख लग रही है। क्या है पहले ये बताओ। सुबह वाली आलू की सब्जी टेस्टी थी। तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं और अभी सामान मत उतारो, ऐसे आ जाओ। तो गाइज बहुत ज्यादा थक गए हैं क्योंकि शूट से अभी बज चुके हैं 1 बज गए हैं। और लेकिन चीकू का काम देख के ना दिल खुश हो गया, बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। तो गाना जब आएगा ना तो आप लोगों का भी मन दिल सब कुछ खुश हो जाएगा, क्योंकि गाना जो है गाना बहुत ही बढ़िया है, पूरा चीकू पे बेस है। जो गाना है वो एक हर घर की कहानी है, माँ बच्चों की कहानी है, बहुत ही प्यारा गाना है। और चीकू बेटे बहुत जबरदस्त आपने मेहनत करी है इस गाने में, थैंक यू सो मच इतनी मेहनत करने के लिए। लेकिन ये लड़का अभी भी थका नहीं है, है? चले ये वहाँ से मनी मनी की बगन भी। हाँ मतलब इस गाने को देख के ना सब लोगों को ये लगेगा कि मतलब जितने भी लोग हमारे एज के लोग भी है ना, उनको लगेगा स्कूल के टाइम से निकले है उसको, उनको अपना स्कूल का टाइम याद आ जाएगा कि हाँ हमने भी लाइफ में एक बार ऐसा काम जरूर करा है। तो बस गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गाना जब भी आएगा गाने को बहुत ज्यादा प्यार देना, और गाने को इतना प्यार देना कि ये 2-3 घंटे के अंदर अंदर मिलियन होना चाहिए गाना, क्योंकि चीकू ने और हमने हम दोनों ने भी बहुत मेहनत करी है। देखो गोलू का 8वां महीना चल रहा है, मेरा 7वां चल रहा है, और इसमें भी ये लगा लो हम सुबह 8 बजे उठे हुए थे और अभी 1 बजे पहुंचे। दवाई भी निकाली, दवाई खा रहा हूँ, सच भी इतनी ठंड लग रही है ना, मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, सर्दी वापस आ गई। तो गाइस ये वाले ब्लॉग को यही एंड करते हैं, जरूर नंबर 1 रिकॉर्ड को सब्सक्राइब कर लेना। जिसने हमारा गाना नई मेहमान नहीं देखा वो भी जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करें, और चीकू का गाना भी नंबर 1 रिकॉर्ड से जल्दी आने वाला है। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। लिफ्ट भी आ गई हमारी।